हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे बिमस्टेक के बारे में। बिमस्टेक है क्या और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिमस्टेक का अभी चौथा सम्मेलन जो है, चौथा मीटिंग जो है, अभी काठमांडू में संपन्न हुआ। नेपाल का कैपिटल है और वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। ये हमारे बीपीएससी जीएस पेपर वन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर करेंट सेक्शन के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के क्वेश्चंस एक पूछा जाता है। तो इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है बिमस्टेक है क्या और फिर बिमस्टेक भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जो बिमस्टेक के साथ ही रिलेट कर सकता है कि बिमस्टेक क्षेत्रीय संगठन के रूप में भारत के लिए कितना महत्व है। क्वेश्चन दोनों लगभग सेम ही है, फॉर्मेट अलग है। तो इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा बिमस्टेक है क्या। बिमस्टेक का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 6 जून 1997 को, और बिमस्टेक का फुल फॉर्म हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये हो गया बिमस्टेक का फुल फॉर्म हो गया। और इसमें आपको फुल फॉर्म से ही आपको पता चल गया होगा कि बिमस्टेक कहना क्या चाहता है। एक क्षेत्रीय संगठन है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया ये सब मिलके बने हैं। इसमें टोटल 7 कंट्री है, 7 नेशंस हैं, जिसमें कि इंडिया भी एक है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और उसके साथ साथ हो गया श्रीलंका। तो 5 कंट्रीज हो गए इधर के, और 2 हो गया हमारा ईस्ट एशिया का हो गया, जो कि हो गया म्यांमार और थाईलैंड। तो टोटल इस प्रकार देखें तो 7 नेशन बनाया गया, 7 नेशन इसके मेंबर्स हैं। इसका 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, जो कि थाईलैंड में। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद में ये बिमस्टेक का अस्तित्व आया था, बिमस्टेक अस्तित्व में आया था। और ये बैंकॉक यानी पहला जो हुआ था वो हुआ था थाईलैंड में। इसका दूसरा जो मीटिंग हुआ था, दूसरा समिट जो हुआ था, वो हुआ था 2008 में हुआ था, और 2008 में हुआ था इंडिया में। उसके बाद में 2014 में हुआ था, और 2014 में जो हुआ था वो हुआ था म्यांमार में, और 2018 में जो अभी चल रहा है वो हुआ है अभी ख़त्म हुआ है, वो हुआ है काठमांडू में, नेपाल में। जहाँ पे होता है वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि अभी नेपाल में हुआ था, नेपाल का जो बिमस्टेक का जो अध्यक्षता किया उन्होंने किया नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली, और वहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नेपाल दौरा जो है अपने सरकार में, यानी 2014 से लेकर अब तक में 4 बार नेपाल का दौरा हो चुका है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिमस्टेक का क्यों जरूरत पड़ा था। बिमस्टेक दरअसल शुरुआत में जो है 6 मुद्दा को लेकर बनाया गया था। बिमस्टेक में जो शुरुआत में जो छः चीज़ों पर जोर दिया गया था, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बना था, वो था ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर हो गया हमारा फिशरीज, और उसके साथ साथ हो गया एनर्जी सेक्टर। तो इन सारे सेक्टर पे बनाया गया था, इन सारे सेक्टर्स को ध्यान रख के बनाया गया था। 2008 में जो इंडिया में मीटिंग हुआ था बिमस्टेक का, तो इसमें आठ और पॉइंट इसमें जोड़े गए और 14 पॉइंट हो गए। तो इस तरह से 14 पॉइंट को लेकर बिमस्टेक संगठन जो है काम करती है। भारत जो है हमेशा जो जोर देता है वो जोर देता है कि काउंटर टेररिज्म, हालांकि इसमें और भी सेक्टर्स इसमें ऐड हो गए हैं, जिसमें कि भारत जो जोर देता है वो है काउंटर टेररिज्म का हमेशा मुद्दा उठाता है। और जो दूसरा है कि ट्रेड, टेलीकम्युनिकेशन और फिर एनर्जी सेक्टर हो गया, तो इन सारे मुद्दा पर भी भारत चाहता है, या फिर टेक्नोलॉजी हो गया, तो इन सारे मुद्दा पर भी भारत चाहता है कि इस पर डिस्कशन हो। तो ये हो गया बिमस्टेक। बिमस्टेक है लगभग 1.5 बिलियन पॉपुलेशन को कवर करता है बिमस्टेक नेशंस, और लगभग वर्ल्ड का 23% पॉपुलेशन को ये कवर करता है। तो इस तरह से कहा जाए तो पॉपुलेशन वाइज भी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्वेश्चन के अगर दूसरा साइड में देखें तो बिमस्टेक भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके लिए 5-6 कारण है जो कि मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहला कारण है कि जो बिमस्टेक जो रीजनल क्षेत्रीय संगठन है, ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में पुल का काम करता है, ब्रिज करता है, मतलब ये सारे राष्ट्रों को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है। ये हो गया पहला कारण जिससे कि भारत को फायदा है। दूसरा है कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, ये तीनों देश के बीच में एक ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट डेवलप करने की बात की जा रही है, और उसमें इन तीनों देशों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। और तीनों देश में तीनों मेंबर जो हैं वो बिमस्टेक के हैं, तो बिमस्टेक इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो है हमारा लुकिस्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया के बीच में नेटवर्किंग है रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तीसरा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा किसी न किसी वजह से टेंशन होते रहता है,
और इस टेंशन की वजह से क्या होता है कि इंडिया जो अपनी पड़ोसी देशों के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं कर पाता है। तो बिम्स्टेक ऐसा है जिसमें कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, तो इसका मेंबर नहीं होने की वजह से अगर पाकिस्तान अलग भी होता है, पाकिस्तान को अगर इंडिया इग्नोर भी करता है, तो बाकी सारे देशों के साथ इंडिया जो है काफ़ी अच्छा डेवलप कर सकता है रिलेशंस। तो ये हो गया, तीसरा इम्पोर्टेंट हो गया। चौथा देखें तो चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है, इंडिया जो है हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है कि उसके आसपास यानी पड़ोसी देशों के लिए, पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छा रहे। तो इंडिया के लिए जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को उधर छोड़ दिया जाए तो इधर बाकी सारे जो कंट्री है वो सारे नेबरहुड में है और इंडिया के लिए महत्व रखते हैं। ये हो गया। पाँचवा पॉइंट देखें तो वो ये है, नेपाल और म्यांमार और श्रीलंका ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो गए हैं, क्योंकि नेपाल जो है धीरे धीरे वो चाइना के संपर्क में आ रहा है, म्यांमार है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के पॉलिटिक्स से, इंडिया से अपने आप को दूर रखना चाह रहा है। जैसे कि अभी म्यांमार में जो रिफ्यूजी को लेकर जो हंगामा होता है उसमें इंडिया का चूंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, तो म्यांमार भी इससे कुछ नाराज़ होता है। तीसरा देखें तो श्रीलंका में देखा जा रहा है तो वहाँ पे हम्बन तोता जो पोर्ट बनाया जा रहा था उसमें चाइना का बहुत बड़ा भागीदारी था। तो इंडिया चाहता है कि इन सारे देशों के साथ में इंडिया अपना अच्छा रिलेशन डेवलप करे, उसके लिए बिम्स्टेक जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करता है। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग एक और भी देख सकते हैं वो है कि चाइना का जिस प्रकार प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है, जो हमारा खासकर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल एरिया में या फिर इंडियन ओशन में, तो वहाँ पर इन सारे देशों का महत्व जो है बहुत बढ़ जाता है। तो इन सारे को अगर टोटल 5-6 पॉइंट्स को अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बिम्स्टेक जो है भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये था आज का बिम्स्टेक के बारे में हम लोग का डिस्कशन। अगर आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय। Yeah.